हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारी एक्सरसाइज 4.1 चल रही है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2 गिवन है। तो पहला स्टेप हमारा रहेगा कि हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन कर लें। तो 1/5 प्लस आयोटा 2/5, ये आ जाएगा माइनस का 4 माइनस प्लस माइनस आयोटा 5/2। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे तो 10 आपके पास एलसीएम आ जाएगा और आप इसको जब सॉल्व करोगे 2 प्लस आयोटा 4 माइनस 40 माइनस आयोटा 25। तो ये मेरे पास कैलकुलेशंस करके रिजल्ट आ गया। अब मैं आयोटा वाले अलग ऐड कर दूंगा, कांस्टेंट अलग। 2 में से 40 गया तो 38 नेगेटिव का, 4 आयोटा में से 25 आयोटा माइनस करेंगे तो 21 आयोटा, नीचे 10 आ जाएगा। इसको जब आप सेपरेशन में लेके जाओगे 38/10 माइनस आयोटा 21/10, तो ये आपकी फॉर्म बन गई। अच्छा, आप इसको कटिंग करना चाहो तो कर सकते हो, 19/5 नेगेटिव माइनस का आयोटा 21/10। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ए प्लस आयोटा बी। ए क्या होता है, रियल पार्ट, और बी होता है इमेजिनरी पार्ट, दैट इज 21/10। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं फिर अपन नेक्स्ट पार्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए बेटा, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन अब आप करेंगे। 7th क्वेश्चन में नोट करता हूँ। ओके, तो 7th क्वेश्चन ये हमने नोट कर लिया है। 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस माइनस 4/3 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस का 4/1 एंड प्लस का आयोटा 1/3। तो ये हमने इसको ब्रैकेट वगैरह सब हटा दी। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस आयोटा, और इसको अपन 1 लिख सकते हैं। तो हमने सिंपली ब्रैकेट ओपन किया जो आप लोग नॉर्मल करते हो। अब आप क्या करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, इतने का एलसीएम आ जाएगा 3। ओके यार, चलो कोई बात नहीं। तो ये लिख दो 1 प्लस आयोटा 7 प्लस 12 प्लस आयोटा, 1 लिखना है, लिख दो। नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। इनका भी एलसीएम ले लो 3, 4 माइनस 3 आयोटा या आयोटा 3। तो हमने एलसीएम लेके इसको रीराइट कर लिया। अब 1 प्लस 12 होता है 13, 7 आयोटा में आयोटा ऐड किया तो 8 आयोटा अपॉन 3, और यहाँ पर प्लस ब्रैकेट हटा दो, आयोटा 3 अपॉन 3। 3 एलसीएम ले लो तो 13 प्लस आयोटा 8 प्लस 4 माइनस आयोटा 3। 13 में आप 4 ऐड करोगे तो 17 आ जाएगा, 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, डिवाइड में 3। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 17/3 प्लस आयोटा 5/3। सो दिस इज द आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार, इजी है ये तो, उसमें तो प्लस माइनस ही था, कुछ खास है ही नहीं है, मतलब उस तरीके से कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। यस, वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7th हम लोगों का डन हो गया। अब आपा करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। इसे आपा क्या लिख लेंगे,
वन माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम लोग, टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर हो जाएगा, मतलब टू मल्टीप्लाई बाय टू नहीं, टू प्लस टू फोर हो जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी और उसका होल स्क्वायर। याद रखिए जो नेगेटिव है वो आगे आ गया है, इसलिए हमें दोबारा नहीं लगाना, वरना नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा का स्क्वायर मतलब माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, माइनस माइनस कैंसिल तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का वन, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे माइनस का वन। और आप याद भी रख सकते हो कि माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस वन ही होता है, और ये हो गया टू आयोटा उसका स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस और उसका होल स्क्वायर, तो वन से वन कट गया, माइनस टू आयोटा का स्क्वायर, तो माइनस टू का स्क्वायर फोर होता है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का वन, सो आई एम गेटिंग माइनस फोर। तो यहाँ पे आप देखिए कि ए प्लस अगर आयोटा बी के साथ कंपेयर करेंगे तो ए तो रियल पार्ट है माइनस फोर, लेकिन जो बी है इमेजिनरी पार्ट दैट इज जीरो, तो आप माइनस फोर प्लस आयोटा जीरो भी लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर मतलब यहाँ पर फिनिश हो गया, इजी है। बस याद क्या रखना है कि पावर फोर को टू की पावर टू लिख दो, और फिर यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसे सॉल्व कर लो, और जो सॉल्व करके आंसर बनेगा उसका स्क्वायर कर दियो, मतलब जैसे यहाँ पे ये चीज होगी, ये बना ना मेरे पास माइनस टू आयोटा का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करके वट एवर इज द वैल्यू वो आंसर आ जाएगा। ओके अब करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन। नाइन्थ क्वेश्चन है वन अपॉन थ्री प्लस थ्री आयोटा का होल क्यूब। तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। कई बार आप इसको थ्री ए बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी भी लिख देते हो, और अदरवाइज आप मतलब जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। तो ए की जगह वन बाय थ्री है उसका होल क्यूब, बी की जगह पर थ्री आयोटा उसका क्यूब, ए स्क्वायर यानी कि वन बाय थ्री का स्क्वायर, बी मतलब थ्री आयोटा, ए मतलब वन बाय थ्री और बी मतलब थ्री आयोटा और उसका स्क्वायर। तो ये मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर बन गया। वन का क्यूब वन होता है और थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन है, थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन आयोटा क्यूब। अब थ्री मल्टीप्लाई वन का स्क्वायर वन, थ्री का स्क्वायर नाइन मल्टीप्लाई में थ्री आयोटा, इस थ्री से थ्री कैंसिल कर दो, थ्री का स्क्वायर नाइन आयोटा स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दी, 1 बाई ट्वेंटी सेवन तो कुछ भी नहीं होगा। आपको अगर याद हो आयोटा क्यूब की वैल्यू हमने पिछले सेशन में डिस्कस की थी, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस का आयोटा होती है, 3 को काटिंग करोगे तो 3 और फिर इसको काटिंग करोगे तो ये भी कट गया तो आयोटा रह गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है। मैं साइड में भी लिख देता हूँ, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है और आयोटा क्यूब माइनस का आयोटा होता है। अब 1 अपॉन 27 माइनस का 27 आयोटा प्लस आयोटा माइनस का 9। तो हमने मतलब क्या किया, ब्रैकेट वगैरह सारी ओपन कर दी। अब आप एलसीएम ले सकते हो 27, तो ये 1 बन जाएगा, ये 729 आयोटा बन जाएगा, ये 27 आयोटा बन जाएगा, और ये बन जाएगा 243।
5363 यस ओके। वन में से 243 माइनस कर दोगे तो माइनस का 242, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 702 आयोटा डिविजिबल बाय 27। अब 27 को दोनों के नीचे यहाँ पर प्लेस कर दो और माइनस आयोटा 702 बाय 27। तो लेट अस चेक दी आंसर, देख लेते हैं अगर आंसर में कुछ चेंज हुआ, अगर कटिंग शटिंग होती हुई तो कर देंगे, नहीं तो यहीं पे रिकॉर्ड कर देंगे अपना अपना आंसर। माइनस 242 बाय 27 ये सही है, 26 पे कट रहा है ओके, ये प्रॉपरली 26 पर कट जाएगा, चेक कर लेते हैं। यस सही है, तो माइनस का 242 बाय 27 और माइनस आयोटा 26, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 डन हो गया, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे ओके। तो नेक्स्ट है माइनस का 2 माइनस का 1/3 आयोटा का क्यूब, तो दोनों के पास नेगेटिव है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग माइनस बाहर निकाल लेते हैं लाइक दिस, इस तरीके से हमने क्या किया, पहले इन दोनों में से माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस का क्यूब माइनस वन होता है और अब हमारे पास बच गया 2 + 1/3 आयोटा का क्यूब। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, ए प्लस बी का होल क्यूब, माइनस वन अलग ही रहेगा, तो क्या होता है हमारे पास आइडेंटिटी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² × b प्लस 3a × b का स्क्वायर। लो जी एज पर a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया। नाउ 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा, 3 को 2 से करोगे 6 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। तो हर टर्म को प्रॉपरली सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, अदरवाइज कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। 8 लिख दो, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, 4 आयोटा का कुछ नहीं करेंगे और इसको कटिंग कर दो 3 के टेबल पे, तो ये 2/3 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है, तो यानी कि मेरे पास क्या बन गया, 8 माइनस आयोटा बाय 27 प्लस का 4 आयोटा माइनस का 2/3। अब अपा एलसीएम ले लेंगे, पहले तो माइनस वन तो बाहर ही रखो, एलसीएम आ जाएगा 27, तो 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 216 फिर आयोटा फिर 108 और फिर 9 × 2 = 18। लो जी एलसीएम लेके हमने कैलकुलेशन कर दी डन, -1/27, ये 27 बाहर निकाल दो, तो 216 में से 18 माइनस किया 198 और प्लस का 107 आयोटा। अब कली कली टर्म के नीचे डिवाइड कर दो, साथ में अब साइन भी चेंज कर देंगे, तो माइनस वन को करेंगे तो माइनस का 198/27 माइनस प्लस माइनस 107/27 आयोटा, ये 3 के टेबल पे कट सकता है, तो इट विल बी
माइनस का 22/3 माइनस 107/27 आएगा। सो दिस इज द आंसर। लेट अस चेक द आंसर। 22/3 विथ नेगेटिव साइन 107 भी बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा डन हुआ। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, इसे हम लोग इरेज कर देते हैं।